Hello everyone, welcome to our channel, Shahzad here. So, आज हम लोग बात करेंगे फिटनेस पर. जनरली लोगों के दिमाग में एक डेफिनेशन होती है फिटनेस की. सपोज वो देखते हैं कि कोई जा रहा है, हाइट अच्छी है, लंबा चौड़ा इंसान है. एक जनरल अजम्पशन रहती है हमेशा कि ये एक बहुत फिट इंसान है, बट एक्चुअली ही माइट नॉट बी फिट. सो एक फिट इंसान के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं. जनरली अगर हम कहें तो 5 पैरामीटर्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस. ये डिपेंड करता है कि हमारी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि नॉर्मल चलना है या स्टेयर्स पर हम जा रहे हैं या रनिंग है, एमरजेंसी रनिंग. सो अगर हम उसमें थकते हैं या हम उसे नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, तो दैट मीन्स हमारी जो कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस है वो वीक है. That is directly connected to our heart. As the name suggests, cardiovascular is for heart. So, इसको बढ़ाने के लिए हमें normal aerobic activities करनी होती हैं, जैसे cycling है या brisk walking etc. ये हम कर सकते हैं. Second है muscular strength. Day to day activities में किसी चीज़ को pick करना, suppose कोई weight उठा रहे हैं या कोई चीज़ हमें या टेबल या चेयर एक जगह से दूसरी जगह रखनी है और हम उसे अच्छी तरीके से नहीं उठा पा रहे हैं, दैट मीन्स वी डोंट हैव दैट पर्टिकुलर मस्कुलर स्ट्रेंथ जो कि रिक्वायर्ड है एक जनरल डे टू डे लाइफ में. इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं? जनरली वेट लिफ्टिंग, वेट ट्रेनिंग, इन सब चीज़ों से हम अपना मस्कुलर एंड्योरेंस बढ़ा सकते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं. थर्ड है मस्कुलर एंड्योरेंस. अब मस्कुलर एंड्योरेंस क्या चीज़ होती है? वेट हमने उठा लिया है, अब इस वेट को लेकर हम कहाँ तक चल सकते हैं, दैट मीन्स उस वेट को हम कितना कैरी कर सकते हैं. इन जनरल टर्म्स अगर मैं आपको बताऊं तो सपोज एक बैग है, आटे का हम ले सकते हैं और हमें स्टेयर्स पर लेकर जाना है. बैग हमने उठा लिया, दैट इज मस्कुलर स्ट्रेंथ. बट उस बैग को कैरी करने के बाद हमें स्टेयर्स पर चढ़ना है, ऊपर जाना है, सपोज फोर्थ फ्लोर पर जाना है, थर्ड फ्लोर पर जाना है, तो दैट इज मस्कुलर एंड्योरेंस. यहाँ पर हमारी मस्कुलर एंड्योरेंस बीच में आती है. दैट मीन्स इट इज़ अ कैपेसिटी ऑफ द मसल्स कि हम उसको कितनी बार रिपीट कर सकते हैं पर्टिकुलर एक्शन को. इसको बढ़ाने के लिए या इसको इन्हेंस करने के लिए हमें वेट ट्रेनिंग या नॉर्मली मसल्स यूज करनी है बार बार. थर्ड आती है हमारी फ्लेक्सीबिलिटी. दैट मीन्स जो हमारा मसल्स का टोटल रेंज ऑफ मोशन होता है, सपोज अगर हमें कोई हाथ चलाना है तो दिस इज द फुल रेंज ऑफ मोशन. सो ये हमारा नॉर्मल रहना चाहिए, फुल रेंज ऑफ मोशन हमेशा रहना चाहिए. अब इसको हम लोग कैसे बढ़ाते हैं? इसको बढ़ाने के लिए हमारे कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे कि आप योगा कर सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, और साथ में कुछ स्ट्रेचिंग कर सकते हैं. अलग अलग स्ट्रेचेज होती हैं, हम आपको आगे जो हमारे सेशंस होंगे उसमें हम इस चीज़ के बारे में सब कुछ बताएंगे. लास्ट आता है बॉडी वेट कॉम्पोजिशन. बॉडी वेट कॉम्पोजिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सपोज अगर जैसे अगर मैं आपको बताऊं बहुत नॉर्मल वर्ड्स में, तो मसल टू फैट रेशियो, कि हमारी बॉडी में मसल्स कितनी है और फैट कितनी है. अगर आप लें एक 80 kg नॉर्मल इंसान है, अगर आप मानें कि उसमें 25% फैट है, दैट मीन्स मसल मास कम है. लेकिन अगर आप उसका देखेंगे कि वेट ज़्यादा दिखा रहा है, उसके कंपैरिजन में जब आप किसी बॉडी बिल्डर को देखते हैं तो बॉडी बिल्डर भी सेम वेट पर होगा, लेकिन उसका जो बॉडी फैट परसेंटेज है एक नॉर्मल 10-12% रहेगा, लेकिन उसका मसल मास ज़्यादा होगा, दैट इज ही इज़ मोर मस्कुलर. तो आज के वक्त में फैट परसेंटेज जितना कम हो, फॉर अ मैन इट इज़ नॉर्मली फ्रॉम 10-12%, और फॉर अ फीमेल इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 18-22%, दैट इज़ इन नॉर्मल रेंजेस. अगर आप एथलीट नहीं हैं, इन अगर आप कहीं पर भी कम्पीट कर रहे हैं, तो वहीं अगर आप जब कम्पीट करते हैं तो जो मॉडल्स होते हैं या कह सकते हैं जो हमारे बॉडी बिल्डर्स होते हैं, वो जब जिस वक्त कम्पीट करते हैं पूरी तरीके से रिप्ड होते हैं, तो उनका जो फैट परसेंटेज रहता है बॉडी में वो मैक्सिमम 5-6% रहता है, बट वो नॉर्मल डेज में नहीं रहता है और वो सेफ भी नहीं है. सो आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हमें इन सारी की सारी कैपेसिटीज़ को बढ़ाने के लिए
ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें वेट ट्रेनिंग करनी है या फ्लेक्सिबिलिटी करनी है, ये एक ओवरऑल फिटनेस है। ओवरऑल फिटनेस रिजाइम के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो हमें फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग भी करनी है ताकि हमारे सारे के सारा रेंज ऑफ मोशन ठीक रहे बॉडी का। सेकेंडली, अगर हमें मसल स्ट्रेंथ चाहिए, मसल एंड्योरेंस चाहिए, तो हमें रिपीटेड एक्शंस करने पड़ेंगे, दैट इज़ फॉर वेट ट्रेनिंग। एंड फाइनली, जब हमें अपना हार्ट हेल्थ के बारे में देखना है या हमें अपना नॉर्मली स्टेमिना इंक्रीज करना है कि हम ज़्यादा देर तक भाग सकें या कुछ, एक जनरल एग्जाम्पल लें, अगर हम रोड पर जा रहे हैं अचानक कोई कुत्ता पीछे लग जाता है तो उसे उसे बच के भागने के लिए, दैट मीन्स एक एमरजेंसी जो हमें चाहिए होगी, तो वो कार्डियो कार्डियोवास्कुलर जो हमारी एनर्जी है वो ही हमें काम में आएगी, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस बेसिकली। सो इन सबको बढ़ाने के लिए सारी एक्सरसाइज करनी है, जिसमें हमारी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग भी होती है, वेट लिफ्टिंग भी होती है। सो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, आगे हम दोबारा मिलेंगे इसी चैनल पर। प्लीज़ बेल आइकन क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी जो भी नए वीडियोस अपलोड होती हैं वो आप अपडेटेड रहें उससे।